तो वही पता नहीं अभी क्या सीन है, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाने की प्लानिंग है। तो टूर तो हमारा कुछ बन नहीं रहा है अभी। तो भाई मोहित आ गया था और ये इतनी सारी शॉपिंग कर लिया, शादी की शॉपिंग कर ली है ये। 25 लाख का जूता है, 25 लाख का जूता है। क्या की शॉपिंग कर दिया, सोनी पत्ते फिर क्या। तो भाई जी ने मैं आदमी मेरे ख्याल है 6 पटका हो जाए इसमें आदमी पैर थे। इन स्पाइस पूरी करी, इसने भी करी और ये ना धो के हो ली रेडी, मम्मी भी ना धो लिया के दोबारा थे। हाँ आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लो। भाई जी लो खाना आ गया, बस स्टार्टिंग में अचार ले लिया मैंने तो आज, लस्सी। और अब जाएंगे सीधा घर गुड़गांव के लिए। पैकिंग देख लो सामने रखी है, कौन कौन जाएगा वो चलते रहे देखेंगे। सतमोला पैकेट भी पूरा ही है, ये पूरा बैड होगा खाली, सिर्फ वे सामान रह गया जो हम पहन के जाएंगे, वे कपड़े सारा का टीम रख दिया। निकलने का टाइम हो लिया ही, सारा सामान तुम रेडी कर दिया, पापा नहीं जा रहे, पापा यहीं पे हैं। साथी सुती हैं तो उनमें ये बने नए जूते पहन लग रही है। बड़ी रान देखो ना, देखा तो जेब वालों सब मेरा बहु है। ये लो सामान सोने हो गया और गाड़ी पूरा भर दी, गाड़ी भी लो भी क्या करूं, कंधे वाला जी का दादा के। और गाड़ी भी देख लो भाई, थोड़ी गंदी सी हो रही है। सामान सारा फिट कर दिया, ये देख लो यहाँ पे, मतलब एक बंदे की सीट पूरी सामान की है, पीछे पूरी डिग्गी में सामान है। उधर निधि बैठ लेगी, इधर मम्मी, उधर मैं, पापा जा नहीं रहे, पापा को जैसे शादी शुद्धिया करना दान डालेंगे, फिर शादी शुद्धिया तो उनमें करना दान डाल के आऊँगे। और मोहित मोहित जा रहा है कितने बाहर, वो सीधा गुड़गांव ही आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा या कल आएगा वो पता नहीं। गाड़ी निकाल ली अपने बाहर चलने की, और मम्मी कुछ सामान भूल गई थी तो एक बार जाऊँ मैं भी। और मैंने सूट ना डाले, मैंने डाल लिया है ये वाली ड्रेस वेस्टर्न, इसके नीचे नए शूज जो मैं भी लेके आई थी ये, और चुन्नी भाई मैंने इसका कवर दे दूँगी गाँव में तो निकलने के बाद मैं चुन्नी हटा दूंगी। मम्मी आ जाओ ना, क्या सामान रह गया आपका, मेरा झोला लगा दी चालपुरी। पापा रहे पे और हम जा रहे हैं करवा आज है। हाँ। हाँ। सात सुबह तो सो भी नहीं लिया है, 8 बजे उठा था जब पीछे सोइए मैंने तो आज, ठीक है ना। तो निकल लिया हमारी बच्चा पार्टी, हम पहुंच गए हैं गुड़गांव कैंस के ऊपर के निकाल दी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है इस करके। और वे गए हैं जूस बनवाने के लिए मौसमी का, क्योंकि आज पता नहीं क्या हुआ मेरे को ना, आज 2-3 बार वोमिट हुई है, पता नहीं क्या खा के आई थी मैं, क्या करा था क्या नहीं करा, यही न ब्रेकर ज्यादा उछाल दी ब्रेकर पर तक गाड़ी, क्या रास्ता होया आज। हाँ 3 बार पड़ ली, पहुंच गए भाई हम यार, क्या से देख लो आप तो कितना खुश है, क्योंकि ये अपनी जगह को पहचानता है इस वाली जगह को, ये मतलब पाकस में जा हुआ है वहाँ भी खुश रहता है, इसका मन लग जाता है, पर वो वाली बात नहीं होती जो यहाँ पे हुई है। ये देख लो क्या से मन लग गया तेरा है, अरे तेरा मन लग गया के बता दे डाकी। अरे मेरे क्या अंदर बेड पर आराम से लेटे हैं बेटा, दोनों के दोनों अपना सामान लेता उतार उतार के लेके आऊँ गाड़ी में, रात ने वो मेरी रूम में लेके नहीं सोवान की ट्राई करेंगी, सोए को नहीं मैं अपने रूम में लेके जाएंगी ना, जाते इतना खुश हो मम्मी ने कहा तेरे उस कमरे में क्यों हो गया था, रोवे रो तू वो बछड़े कियांश का ते कुछ काम नहीं है, कियांश की चला दी एलईडी। कौन सा गाना सुन रहे है भाई, कौन सा गाना, खेल आराम से बैठ पे। और ये सामान, और ये मैडम नए जूते पहन गए अपने कदी आज, इसके पहले भाई उल्टी पड़ गई इसके, सीधी सी बात है। कितने दिनों बाद, मतलब 1 साल बाद वो मेट हुई है ना, दूध पी लिया था इसने शायद, बस
पहली बार हुई, मतलब एक साल बिल्कुल बंद हो रही थी और ये सामान समुन्ना लान लग रहे हैं भाई। चद्दर वद्दर जैसे जो बिछा के गए थे ना हम एक दिन पहले ही, तो साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, धूल मट्टी नहीं है इस बार कहीं भी, क्योंकि बिल्कुल फिट करके गए थे भाई। जहां तक जगह थी ना थोड़ी बहुत, उस पर टेप टैप लगा रखी थी उन्होंने, जुगाड़ पूरा कर दिया था, तो इस बार बिल्कुल धूल मट्टी नहीं है, बिल्कुल साफ है सब कुछ, कहीं भी धूल नहीं है सच में, देख ले बिल्कुल क्लीन है, असलियत यहाँ से पता चलती है टेबल से, ये देख लो बिल्कुल साफ है। इस बार कितना वो नहीं है, धूल माटी नहीं इस बार, तो भी अपना कपड़े कपड़े जचावे है जो साफ है उन्हें, बाकी जो धूण के उन्हें धो लगे। ये लो भाई, घर आते ही काम वाम तो कुछ करना नहीं था, स्पाइस भी बोले ना सही है, मैं गया बोले छोले कुलचे ले आओ, कुलचे भी ले आया 3 प्लेट और एक मैं अपने लिए भटूरे भी ले आया, तो ये खाने लग रहे साथ में मूंगफली, क्योंकि आप भटूरे लेके ले रहे हो ना, तो इसके साथ में कुलचे ना मिले ना, खाऊंगा कुलचा ना, आपने भटूरे भटूरे मिलेंगे तो मम्मी ने भटूरे पसंद है, मेरा एक भटूरा। और भाई आज है मेरे दोस्त की शादी और मैं जान नहीं पाया, देखो पता बाद में चला, पता तो पहले ही था पर दिमाग से उतर गई, और शादी भी उस साइड है, और भाई ये देख लो अभी सफाई चली रही है, मम्मी बाहर लग रही है, मम्मी भी कपड़े पड़े धुल रही है, क्या उसको सुलाया भी, ये भाई थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का अपने सफाई कर रहे हैं, जैसे जो बन रही है किनारी किनारी में बैठ बैठ के, एलईडी पे अच्छे से कर दो ना पूरे पे, एलईडी पे ये दिखेगा, क्या दिखेगा, कपड़ा गिला ना, सूख जाएगा थोड़ी बहुत देर में, दबे ना हल्के से कर देना, करूंगी बाद में। देखिए हंस का मम्मी ने फेवरेट सॉन्ग चला दिया भाई, करमबीर फौजी रिश्ते मिलवाना पड़ेगा तू हैं, करमबीर फौजी तो मिलवाना पड़ेगा भाई, ये भी ना धोली थी इन स्पाइस पूरी करी, इसने भी करी और ये ना धो के होली रेडी, और मम्मी भी ना धोली आके दोबारा ते, हाँ मम्मी भी ना ली, मम्मी ने भी कपड़े धो दिए घने सारे, आते मशीन लगा दी, मैं भी ना दोगे, मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए, ना दोगे मतलब रेडी हो लिए मैं भी, ये क्या परफ्यूम इतना लग गया, परफ्यूम मारू तो देख कितना लग गया, हाँ पापा ही हो रहा, पापा 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 अभी हम गाँव यहाँ गुड़गांव आते ही हमने बेड वापस तक खोल लिया, क्योंकि मम्मी बोली भाई सर्दी ज़्यादा हो रही है, मैं अपना लूँगी गर्म कंबल, तो मम्मी अपना गर्म कंबल निकाल रही है, निकाल लो निकाल लो, मम्मी तो एक मिनट ले का। तो भाई ये रोटी बनाने लगी थी, क्या बनाया, दाल, तो भाई दाल बनाई है बढ़िया सी, मैं रोटी बाहर जा ली रख दी, ठीक भाई मेरा खाना आ गया भाई, मैं रोटी खा लूँ एक बार, दाल बनाई गरम दूध रोटी खा लेता हूँ एक बार, मैंने भी खाना खा लिया है, और मम्मी क्या मेरे को बैठी है, और ये सारा सामान निकाल रहे हैं बाहर, ये इतना सारा सामान क्यों बाहर निकालो, बेड कि जागा गाँव में क्यों जागा, हाँ बताने से, ये सारा सामान निकाल रहे बाहर, क्या 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 है इसमें, और बोल रहे हैं कि गांव में जाएगा, ये क्या इसका बेड आया था, पर क्या इस पर एक दिन भी ना सोया, तो मम्मी और बोली कि इस पर सो भी कौन है, तो शायद इससे अगर कपड़े चाहते होंगे गांव में, बताना मेरे को मैं क्यों जागा ये सारा सामान गांव में क्यों जागा ये सारा सामान, मम्मी तो नु कहती आप जाओ गांव में, फिर ये सामान क्यों जा गांव में, ये सामान पूछू मैं, फालतू है, अच्छा ये बेड, बेड अभी हम आ गए अपने रूम में, क्या इधर अपने टॉयज के साथ खेल रहा है वो, क्या पापा की सीट, और मैंने अपने और क्या जेब छाली गरम चादर,
वैसे ये भी गर्म चादर है पर मैंने क्या सींचे बिछाई गुदड़ी, क्योंकि भाई गुदड़ी ठंडी है, मैं बोली सूती कपड़े की पता ना कौन से किए तो ये रात को ठंडी लगेगी क्यांस को, तो इसलिए पहले मैंने बिछाई ये वाली क्यांस की सीट जिससे सुसु बेड पे ना जाए, और एक ये वाली गुदड़ी, इसके ऊपर गर्म चादर, ये तीन तीन बिछा के मैंने कर दी क्यांस की सीट रेडी। ये क्यांस का छोटा सा पिल्लो, मैं इसको यहीं पर रखती रहती हूँ बस, लेकिन क्यांस पिल्लो वगैरह कुछ नहीं लगाता, अगर कभी कभार लगा देती हूँ नीचे तो ये दूर भगा देता है पिल्लो को। अभी देखो इसको, इसको इसके मामा ने सिखाया था कि अपने पैर को मुंह में कैसे देते हैं, और इधर मैं सोऊंगी, मेरी सीट है, मैं भी ये सिर्फ ये वाला पिल्लो लगाऊंगी, ना ये लगाऊंगी ना ये लगाऊंगी, ये सारे हमारे ऐसे ही जाएंगे, ये हम यहाँ बीच में लगाते हैं ताकि क्यांस का सिर उससे ना टकरे, ये पूरी खुली सीट पे सोता है क्यांस। तो भाई ये मोहित आ गया था और ये इतनी सारी शॉपिंग कर लिया, शादी की शॉपिंग कर ली गई ये ईद से पहले हैं। 25 लाख का जूता है, 25 लाख का जूता है ये, 25 लाख का जूता बताओ भाई, बोलने में परफेक्ट है इसके बाबा, ना सच में 25 लाख का दे बालमान, सर्च कर लो गूगल पे, सर्च करो बालमान मोहित ले आपने 25 लाख के, कितनी सारी शॉपिंग है, और जगह तो मैं बैठी हूं अपने कार्ड को टी अकेले कर लिया शादी की शॉपिंग, हाँ सोनी पत्ते है, फिर क्या की शॉपिंग करी है, शादी वादी की करी होगी भाई, इतनी शॉपिंग वगैरह शादी की, और ये तो मारी तो ना ये भी है, ये 3 दिन में करा के बड़ा है, ये शॉपिंग कर का ठीक है, ये देख लो जूते, ये बालमान किस चीज के हैं, मैंने तो बेरा नहीं भाई, बाकी देखे हमने भी थे एक बार तेरी बच्चे दिखे रुचे के, ये मेरा तो भाई जी ने मेरा आदमी मेरे ख्याल से 6 पटका हो जाए इसमें मेरा आदमी पैर थे गणी हाइट बढ़ जाए, ये सारा चाली है किला चल रहा था 12 है पूरे ये कट्टा पर गले का नहीं ना बात करे करता है बिने पेट का मिल जाता है इनना पार करे इसे मरवाओगी मम्मी क्या थी हां वो हाइट भी ऊपर है हां गणी है बढ़ जाए दिखने इतने ऊंचे दिखने लगे 25 लाख के शूज भाई ये क्राउन फिट पे मिलेंगे क्राउन फिट पे भाई, इनको पता होगा आप देखते होंगे मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे, किस नाम से है शोरूम, क्राउन फिट के नाम से है, कहाँ पे लोकेशन, भैयापुर खुर्द, भैयापुर खुर्द मेन रोड पे, सोनीपत राठदाना रोड पे भाई, तो सारे जाइए जितने भी सोनीपत के हैं और विजिट कर लिए, भाई बड़े मिल बैठे मिलेगा ना इसका भाई मिलेगा ठीक है, इस कट्टे में भी ये जूते हैं 25-25 लाख आ रहे हैं सारे क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलेगी सारी। तो वही पता नहीं अभी क्या सीन है, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाने की प्लानिंग है, तो टूर तो हमारा कुछ बन नहीं रहा अभी, किस ट्रिप पे निकलेंगे, शॉपिंग भी काफ़ी सारी कर रखी है, कट्टे भर के शॉपिंग है इसमें, पूरे शूज शूज हैं ये देख लो, इसमें पूरे में जूते हैं, पसंद आओ तो आपने ले लो पहली बार देख लो भाई, मेरे खाना खुना बनाने लग रही है, फिर वो नावा है ये बनाने लग गए